सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। आपां पिछले कुछ दिनों तो लीनली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वैक्टर पढ़ रहे हैं, उहदा ये लास्ट लैक्चर आ। ये टॉपिक पढ़ना है आपां लीनियर कॉम्बीनेशन ऑफ वैक्टर। पहला आपां ये डेफिनेशन पढ़ी सी जी, अज इहदे पर बेस्ड आपां नुमेरिकल करने ने। लीनियर कॉम्बीनेशन ऑफ वैक्टर की हुंदा हैगा कि लैट वी वन वी टू वी थ्री अप टू सोन वी एन ये वैक्टरस ने, दैन एल सी लीनियर कॉम्बीनेशन इज इक्वल टू। लीनियर कॉम्बीनेशन की हुंदा हैगा कि वैक्टरां नूं स्केलर नाल मल्टीप्लाई कर दो, जिवें आह वैक्टर नूं अल्फा वन नाल मल्टीप्लाई करता, आह वैक्टर नूं अल्फा टू नाल मल्टीप्लाई करता, यह वैक्टर नूं अल्फा थ्री नाल मल्टीप्लाई करता, यह वैक्टर नूं अल्फा एन नाल मल्टीप्लाई करता। स्केलर नाल मल्टीप्लाई करके आपस च ऐड कर दो, इहनूं कहिंदे आपां लीनियर कॉम्बीनेशन ऑफ वैक्टरस, वेयर अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अप टू सोन अल्फा एन तक ये सारे स्केलर्स ने। जो क्वेश्चन करने, क्वेश्चन सिंपल ने बेस्ड, कुछ ये क्वेश्चन देखने आप लीनियर कॉम्बीनेशन के, तो कुछ क्वेश्चन देखने है आप लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। तो देखो जो क्वेश्चन करना है अपने, कोई स्टेटमेंट देख लो। राइट द वैक्टर्स वी वन सैवन माइनस फोर एज लीनियर कॉम्बीनेशन ऑफ वैक्टर्स वी वन एंड वी टू। वी वन वी टू को दिते हुए ने अपने, तो वी नूं आपां ने इन्हां दोनों वैक्टर्स का लीनियर कॉम्बीनेशन लिखना है। नाल एक वर्ड होर कही हैगी है, वट कैन यू से अबाउट लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस वी वी वन वी टू। मतलब वी वी वन अते वी टू ये तीन वैक्टर ने, इन्हां लीनियरली इंडिपेंडेंट ते डिपेंडेंट बारे आपां की कह सकते, मतलब ये तिने वैक्टर जिहड़े हैगे ने ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होणगे जां डिपेंडेंट होणगे। तो सैकेंड पार्ट का आप देखांगे, फस्ट पार्ट देखना आप कि वी वैक्टर नूं आपां ने वी वन अते वी टू का लीनियर कॉम्बीनेशन लिखना। वो देखो किवें लिखांगे आप, वो दिता है जी अपन, इतों स्टार्ट कर रहे। लैट कर लवेंगे जड़ा वी हैगा इनू अल्फा वन वी वन अल्फा टू वी टू, इदा लीनियर कॉम्बीनेशन आप लिख लवेंगे। बस आप अल्फा वन तो अल्फा टू की वैल्यू कट लेंगे, ध्यान रखना जी। वी नू आपने वी वन वैक्टर वी टू वैक्टर का लीनियर कॉम्बीनेशन लिखना, तो इनू की कहने आप लीनियर कॉम्बीनेशन की होंदा है कि v1 ਅਤੇ v2 ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਸਕੇਲਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਚ ਐਡ ਕਰ ਲਵੋ, ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। v ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ v1 ਤੇ v2 ਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਣਾ, ਮਤਲਬ v ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ v1 ਐਂਡ v2। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ v1 ਤੇ v2 ਤੇ v ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ 1 7 माइनस फोर इक्वल्स टू अल्फा वन वी वन वन माइनस थ्री टू अल्फा टू वी टू टू माइनस वन वन। लीनियर कॉम्बीनेशन फॉर्म से लिखने का मतलब की है, आपने अल्फा वन ते अल्फा टू की वैल्यू कटनी है। हुण ये कंसैप्ट सिंपल हो गया, जिवें पहला आप क्वेश्चन करते आ रहे हैं किवें इनू मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर लवेंगे, इनू मल्टीप्लाई किया ए अल्फा वन प्लस टू अल्फा टू माइनस थ्री अल्फा वन माइनस अल्फा टू टू अल्फा वन प्लस अल्फा टू, यह दोनों पास कंपेयरिंग कर लवेंगे। व फर्क की हैगा, जेडे लीनियरली इंडिपेंडेंट के डिपेंडेंट के क्वेश्चन सके कुछ इक्वल टू जीरो पाता से, यह कोई फर्क नहीं पैदा जोड़ा मर्जी क्वेश्चन बने, ये कोई फर्क नहीं पैदा इक्वेशन जो मर्जी हो। इतों कि आ गया अल्फा वन प्लस टू अल्फा टू इक्वल टू वन, पहले इक्वल करता माइनस थ्री अल्फा वन माइनस अल्फा टू इक्वल टू सैवन एंड टू अल्फा वन प्लस अल्फा टू इक्वल टू माइनस फोर, ये वैल्यू बन गई अपने को।
हूँ इन्हां विचों आपां अल्फा वन अल्फा टू की वैल्यू कटांगे जो आ गया अपना आंसर, बस अल्फा वन अल्फा टू की वैल्यू कटनी है आपां। हूँ थोड़ी गल इत्थे समझण वाली हैगी आ कि वेरिएबल तो दो ने अल्फा वन अल्फा टू, मतलब कि सिर्फ दो इक्वेशन दे विचों अल्फा वन ते अल्फा टू निकल देगा, पर तीजी इक्वेशन दी की लोड़ आपां, सल्यूशन आपां ने उह कटना है जो तिन्हां नूं सैटिस्फाई करे। तीजी इदां नहीं कि फालतू आ, ये की करना आपां पहलां इन्हां दोनों चों आपां अल्फा वन अल्फा टू की वैल्यू कटांगे, तीजी भर के देखांगे सैटिस्फाई करगी, फिर आपां कहांगे कि अल्फा वन ते अल्फा टू निकल रहा। जे अल्फा वन ते अल्फा टू निकल गया फिर आपां कहांगे दिस वैक्टर नूं इन्हां दा लीनियर कॉम्बीनेशन आपां लिख सकते हैं। जे अल्फा अल्फा टू निकल गया इनू सैटिस्फाई ना करिया तो यह मतलब की बन गया अपने को कि अल्फा वन अल्फा टू की कोई वैल्यू नहीं निकल रही हैगी जो तिन्हों सैटिस्फाई करे। जे अल्फा वन अल्फा टू नहीं निकल रहा है तो उस केस कहांगे आप कि इस वैक्टर यदा लीनियर कॉम्बीनेशन नहीं लिख सकते। तो देखो हमने दो वेरिएबल ने इनू सॉल्व करने वास्ते चाहे मैट्रिक्स का मैथड यूज कर लो रैंक वाला, जब जिमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड करते आ रहे हैं वो यूज़ कर लेने, मतलब कि जिस तरह मर्जी करके अपना सॉल्व करना पहली दो इक्वेशन के विचों बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड अल्फा वन अल्फा टू कट रहे हैं। देखो सॉल्विंग वन एंड टू, वन ते टू सॉल्व किया, इतों आ गया अल्फा वन अपॉन इलेवन फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन माइनस अल्फा टू अपॉन सैवन प्लस थ्री टेन माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सिक्स फाइव। बाकी चेक कर लियो इतों अल्फा वन की वैल्यू आ गई माइनस थ्री तो अल्फा टू आ गया टू, पुट इन थ्री, थ्री च पुट करना टू इंटू माइनस थ्री प्लस टू इक्वल टू माइनस फोर, ए माइनस फोर इक्वल टू माइनस फोर आ गया, माइनस सिक्स प्लस टू माइनस फोर इक्वल आ गया, सैटिस्फाई कर गया। देयरफोर अल्फा वन की वैल्यू माइनस थ्री कहांगे, अल्फा टू की वैल्यू आप टू कहांगे, ये वैल्यूज आ गई। यदा मतलब की बन गया, यह मतलब यह बन गया देयरफोर जो वी है उसनों आप माइनस थ्री वी वन प्लस टू वी टू की फॉर्म से लिख सकते, मतलब वी वैक्टर नूं आपां लीनियर कॉम्बीनेशन दी फॉर्म दे विच लिख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन सी। हुण क्वेश्चन सैकेंड पार्ट उन्हें कहा सीगा कि वी वी वन अते वी टू इन्हां दी आपां चैक करना कि ये तिन्ने वैक्टर जिहड़े हैगे ने लीनियरली इंडिपेंडेंट ने कि डिपेंडेंट। तां दो तरीके ने जी, चाहे तां डिटरमिनेंट मैथड नाल कर लो जी, मतलब तिन्ने वैक्टर ने मैट्रिक्स फॉर्म च पा के डिटरमिनेंट फाइंड कर लवांगे, जे जीरो आ गया तो लीनियरली डिपेंडेंट आ, जे नॉन जीरो आ गया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट आ, ये पहला करते आ रहे हैं। पर एक गल होर देखो, हजे भी जे आप इस केस दे विच मैट्रिक्स बना के डिटरमिनेंट फाइंड करांगे फिर भी क्वेश्चन थोड़ा लंबा लग रहा है, इतों एक स्टैप च आंसर बन जाएगा। पर यह गल उन्होंने समझ आऊगी जिन्होंने पता कि लीनियरली इंडिपेंडेंट तो डिपेंडेंट होंगे की है। जे आप यह वैक्टर चक के इधर लियाइए सारे, ये बन गया वी प्लस थ्री वी वन माइनस टू वी टू इक्वल टू जीरो। लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट किवें चैक करना होंदा है कि जे अपने कोई वैक्टर्स ने वी वन, तीन वैक्टर ने इस केस वी वी वन अते वी टू, पहला इनू अल्फा वन ना मल्टीप्लाई कर लिया, ये अल्फा टू नाल ये अल्फा थ्री बना लिया। जे सिर्फ जीरो 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 ही इसनों सैटिस्फाई कर रहा है तो आप कहांगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट। जे जीरो 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 तो इलावा एक अजिहा नॉन जीरो सोल्यूशन आ रहा, मतलब तिने इकट्ठे जीरो ना हो, इदा सोल्यूशन जो एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस कहांगे लीनियरली डिपेंडेंट, ये पहला पढ़िया हुआ अपना। हूँ यही गल देखो ध्यान, इनू वन पा लो, इतने लीनियर कॉम्बीनेशन ही थोड़ा होर कर लाने आप। देखो वन इंटू वी थ्री इंटू वी वन प्लस माइनस टू इंटू वी टू इक्वल टू जीरो, की मतलब बन गया अल्फा वन अल्फा अल्फा वन भी निकल रहा इस केस कि वन, अल्फा टू कि आ गया थ्री आ गया,
तो अल्फा थ्री कि आ गया माइनस टू, मतलब तिने इकट्ठिया जीरो नहीं है पर यदा लीनियर कॉम्बीनेशन जो है वह जीरो है, लीनियर कॉम्बीनेशन जीरो है। तो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री सिर्फ जीरो जीरो इसमें सैटिस्फाई करे तो आप कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट आ, पर जे नॉन जीरो सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है तो आप लीनियरली डिपेंडेंट कहने, तो इतने कहेंगे हेयर स्केलर्स आर नॉट आल जीरो, ये सारे जीरो नहीं है क्योंकि जे सारे जीरो नहीं होंगे तो आप कहेंगे वैक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। देयरफॉर वी वी वन वी टू आर लीनियरली डिपेंडेंट। एक क्वेश्चन इदा भी कर सकते अदरवाइज उदा मैट्रिक्स बना के उदा भी कर सकते। तो ये चीज़ अपनी एक क्वेश्चन सी लीनियर कॉम्बिनेशन का जी। तो देखो नैक्सट क्वेश्चन देखना आप इस तो बाद जी। एक क्वेश्चन है जी, स्टेटमेंट चेक कर लो, फॉर वट वैल्यू ऑफ के विल द वैक्टर वी वन के माइनस फोर बी द लीनियर कॉम्बीनेशन ऑफ वैक्टरस वी वन वी टू, दोनों वैक्टर दिते हुए आपको के दी वैल्यू फाइंड करनी है कि या दिता की होया आपको कि जो v वैक्टर है वह v1 वन v2 टू का लीनियर कॉम्बीनेशन आप लिख सकते हैं। तो उदी कर लो ये नीचे गिवन हैगा आपको कि v इज इक्वल्स टू अल्फा वन वी वन अल्फा टू वी टू दिता है जी, बिल्कुल सेम ने पिछे किता सी वैल्यू भर लवेंगे आप v हैगा जी वन के माइनस फोर, ये सिर्फ मैं हिंट देना पता बाकी तुम आप सॉल्व कर लियो, वन माइनस थ्री टू अल्फा टू ये आ गया टू माइनस वन वन, बिल्कुल सेम होती इक्वेशंस बनावांगे, मैं सीधी इक्वेशंस बना रहे हैं जी। पहली इक्वेशन की बनेगी अल्फा वन प्लस टू अल्फा टू इक्वल्स टू वन, दूजी इक्वेशन बनेगी जी माइनस थ्री अल्फा वन माइनस अल्फा टू इक्वल्स टू के, तीसरी इक्वेशन बनेगी टू अल्फा वन प्लस अल्फा टू इक्वल टू माइनस फोर। समझ आ गया होना जी के फाइंड करना बस कला, ये दोनों विचों आप अल्फा वन ते अल्फा टू की वैल्यू कढ़ लवेंगे, ये चक के भर देवे इतों के निकल जाए, तो सॉल्व कर लियो जी। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम पिछे ना उदा पिछे कितने क्वेश्चन, ये वैल्यू कढ़ोगे तो अल्फा वन आएगा माइनस थ्री अल्फा टू आएगा टू, ये भर देवे तो के जो है सैवन आ जाए, बाकी चैक कर लियो ये कर लियो कंप्लीट। तो लीनियर कॉम्बीनेशन के क्वेश्चन बस आ ही सके जी, हूँ थोड़े क्वेश्चन देखने आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट ते डिपेंडेंट दे, जिन्हां दे विच वैक्टर फॉर्म्स आए गिवन हो गए, जिमें देखो एक क्वेश्चन है जी अपने को सैवंथ क्वेश्चन मैं पढ़ रहा स्टेटमेंट, ये बी पार्ट करवाना ए पार्ट सी आप कर लियो सेम योर नाल दिता की होया अपन, इफ यू वी डबल्यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टरस इन वैक्टर स्पेस, कोई गल नहीं वैक्टर स्पेस गिवन आप, दैन शो दैट ए द वैक्टरस यू प्लस वी यू माइनस वी यू माइनस टू वी प्लस डबल्यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। हूँ यह क्वेश्चन ये प्रॉब्लम आ रही है कि यू भी नहीं पता की हैगा वी भी नहीं पता हैगा डबल्यू भी नहीं पता हैगा, जे तो अपन पता हो कि अपने ये वैक्टर्स ने इनू आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना, यह काम सौखा ही है, वैक्टर पता ने अपन तो दो तरीके ने प्रॉपर सॉल्व कर लवो जां बाय यूजिंग डिटरमीनेंट उदा कर सकते, पर ये प्रॉब्लम की आ रही है कि आप यू वी डबल्यू वैक्टर जो है वह गिवन नहीं है, इदा ने क्वेश्चन किमें करने हैं
उसके वास्ते ही करवा रहे हैं जी। हुण आपणे शो की करना है, मैं लिख रहा पहले कि वी आर टू प्रूव दैट आपने प्रूव करना है यू प्लस वी यू माइनस वी यू माइनस टू वी प्लस डबल्यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये किवें शो करांगे आप? सब तो पहला लीनियर इंडिपेंडेंट किवें शो करना होगा कि इन्हां वैक्टरां दा आपां लीनियर कॉम्बीनेशन बनावांगे इक्वल टू जीरो वैक्टर रखांगे। कंसीडर किया जी अल्फा वन यू प्लस वी अल्फा टू यू माइनस वी अल्फा थ्री यू माइनस टू वी प्लस डबल्यू इक्वल टू जीरो वैक्टर ये बनावांगे। पर हुण इहनू सॉल्व करांगे, सॉल्व करके अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री वैल्यू कटांगे। जे तिने जीरो आ गई ओनली जीरो सोल्यूशन बन गया तिना का, फिर आप कहांगे लीनियरली इंडिपेंडेंट आ। जे नॉन जीरो भी आ रही वैल्यूज तो आप कहांगे लीनियरली डिपेंडेंट। हुण इह आपां ने लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है तो मतलब तिना नूं आपां जीरो शो करांगे। हुण इह गल लग रही है कि वैक्टर का पता नहीं है आपां, फिर इहनू जीरो किवें शो करांगे? इहदे वास्ते ही आपां नूं गिवन है कि यू वी डबल्यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये गिवन ने। फिर ये किवें यूज़ करांगे आपां लीनियर इंडिपेंडेंट ने? देखो फिर इहनूं किवें आपां ने यूज़ करना है। पहला सारा मल्टीप्लाई कर लो। हुण अग्गे ही गल इहनूं सॉल्व किवें करना। अल्फा वन वी आ गया, अल्फा टू यू आ गया, अल्फा टू वी आ गया, अल्फा थ्री यू टू अल्फा थ्री वी अल्फा थ्री डबल्यू। इन्हां चों कॉमन कढ लो जी, ये बन गया अपने कोल अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री यू। अगे आ गया अल्फा वन माइनस अल्फा टू माइनस टू अल्फा थ्री वी। अगे आ गया जी अपने कोल अल्फा थ्री डबल्यू इक्वल टू जीरो वैल्यू। तो ध्यान देखियो किवें करांगे आपां, कटना अपने अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री की वैल्यू कटनी है। तो किवें करांगे आपां? नाओ ध्यान दो, यू वी डबल्यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट दिते हुए आप। यू वी ते डबल्यू लीनियरली इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स के होंगे। लीनियर इंडिपेंडेंट का मतलब की होंगे, जे आप लीनियर कॉम्बीनेशन बनावांगे यू वी डबल्यू का इक्वल टू जीरो रखांगे तो जो स्केलर हैगे ने अगे वाले ये पक्का सारे जीरो होंगे। मैं दोबारा बोल रहा, लीनियर इंडिपेंडेंट का मतलब की होंगे होंगे कि जे अपने को अल्फा वन ना मल्टीप्लाई करता यू नू, इनू अल्फा टू ना मल्टीप्लाई करता, इनू अल्फा थ्री ना मल्टीप्लाई करता, इक्वल टू जीरो वैक्टर रख लिया अपने। ये तिने स्केलर पक्का जीरो होंगे बिकॉज ये लीनियरली इंडिपेंडेंट गिवन है। अपन ये हम कन्फ्यूज नहीं होना कि स्केलर तो बस इको होंगे, उरे कहांगे तो तीन स्केलर आ गए, ये तीन स्केलर नहीं है जी, इको स्केलर। जे तुहानू कहा कि स्केलर की कहे सी आपने रीयल नंबर, आ नंबर किन्ना जी, जिवें आ लै लो आ नंबर किन्ना है, इको नंबर है, तो आ वाला नंबर तो तीन नंबर ने, नहीं जी इको नंबर आ, यह इको नंबर बनेगा जी। ये स्केलर आप जोड़ के इको आंसर आऊगा, इस करके इनू भी आप एक स्केलर ही कहेंगे। हुण आ स्केलर आ, स्केलर जो मर्जी होवे, स्केलर जिहड़ा मर्जी होवे, जे लीनियर कॉम्बीनेशन इक्वल टू आप आइडेंटिटी रखांगे तो उस केस तिने स्केलर पक्का जीरो होणगे बिकॉज वैक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो मतलब ये पक्का जीरो होगा स्केलर आह, तो आह स्केलर जो मर्जी होण जी, दोबारा बोल रहा मैं स्केलर जिहड़े मर्जी होण, इत्थे स्केलर जो मर्जी होण, लीनियर कॉम्बीनेशन बना के इक्वल टू जीरो रखांगे तो तिने पक्का जीरो होणगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन यही है, तो ये तिने पक्का जीरो होणगे। देयरफोर अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री जीरो आ गया, एंड अल्फा वन माइनस अल्फा टू माइनस टू अल्फा थ्री ये भी जीरो आ गया।
ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਅਲਫਾ 3 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਲਫਾ 1, ਅਲਫਾ 2, ਅਲਫਾ 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਯੂਨੀਕ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ 0 0 ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਓਨਲੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਕੇਸ ਬੈਟਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਜੇ ਇਨਫਰੈਂਟ ਮੈਨੀ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਂਸਰ ਪੱਕਾ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਯੂਨੀਕ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਂਸਰ ਯੂਨੀਕ ਆਊ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸੈਪਟ ਕਿੰਨੇ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਰਹੂਗਾ। ਰੱਟਾ ਮਾਰੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੌਖਾ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਇੰਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਇਹਦਾ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਯੂਨੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਯੂਨੀਕ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ 0 0 0, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਪੱਕਾ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਵੈਕਟਰਸ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1 1 1 1 -1 -2 0 0 1, ਇਹ -2 ਆ ਗਿਆ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਅਲਫਾ 1, ਅਲਫਾ 2, ਅਲਫਾ 3 ਤਿੰਨੇ ਪੱਕਾ 0 ਹੋਣਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਂਸਰ ਯੂਨੀਕ ਆਊ। ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਸਕਿੱਲ 0 ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਵੈਟਰਸ ਪੱਕਾ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਯੂ ਪਲੱਸ ਵੀ, ਯੂ ਮਾਈਨਸ ਵੀ, ਯੂ ਮਾਈਨਸ 2 ਵੀ ਪਲੱਸ ਡਬਲਿਊ ਆਰ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟਰ ਗਿਵਨ ਨਾ ਹੋ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਫ ਐਕਸ 1, ਐਕਸ 2 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਐਕਸ ਆਰ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਮ ਬਾਏ 1 ਕੋਲਮ ਵੈਕਟਰ, ਜੇ ਇੱਕ ਕੋਲਮ ਹੋਵੇ ਐਮ ਬਾਏ 1 ਕਿਹਾ ਨਾ, 1 ਕੋਲਮ ਮਤਲਬ ਕੋਲਮ ਵੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਰੋ 1 ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋ ਵੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਮ ਬਾਏ ਐਮ ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਏ ਐਕਸ 1 ਅਪ ਟੂ ਸੋਨ ਏ ਐਕਸ ਆਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਸੈਪਟ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਰ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਏ ਐਕਸ 1, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ, ਏ ਐਕਸ 2 ਅਪ ਟੂ ਸੋਨ ਏ ਐਕਸ ਆਰ ਆਰ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਲਫਾ 1 ਏ ਐਕਸ 1, ਅਲਫਾ 2 ਏ ਐਕਸ 2 ਅਪ ਟੂ ਸੋਨ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। 1 ਵਾਸਤੇ ਅਲਫਾ 1 ਲਿਆ, 2 ਵਾਸਤੇ ਅਲਫਾ 2 ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਅਲਫਾ ਆਰ ਹੋਊਗਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਓ, 0 ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਲਫਾ 1, ਅਲਫਾ 2, ਅਲਫਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੋਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ,
एक और की गिवन है अपन की एक्स वन एक्स टू अप टू सोन एक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये यूज करा चलो देख लिया। एक होर गल शायद गल समझ आ गई हो कि आपन दिता है कि एक्स वन एक्स टू अप टू सोन एक्स आर इन्हों का सार्या का आपू ऑर्डर दिता है कि सारे एम बाय वन के ने अते ए दा ऑर्डर की हैगा एम बाय एम। इहदी लोड की है आपां जो मैट्रिसिस बारे पता होवे ये लोड तां हैगी आ तां जो आपां जो मल्टीप्लीकेशन है यह डिफाइन कर सकीए। डिफाइन मतलब ये मल्टीप्लाई आपां कर सकते हैं। ये मल्टीप्लाई एग्जिस्ट तां करदी हुंदी हैगी आ जे दोनों का ऑर्डर पता होवे जिवें ए दा ऑर्डर की है अपने कोल एम बाय एम तो एक्स वन का ऑर्डर की है एम बाय वन। जे ये दोनों सेम हो जे ये दोनों सेम हो ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन कर सकी वास्ते ऑर्डर की बना लोड़ नहीं पैनी आप मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं बिकॉज पहले दिया कॉलम दूजे रो आपस सेम ने इस करके लोड़ नहीं पैनी आप। हुण आ देखो जे टू इंटू ए इंटू बी मल्टीप्लाई करना ये स्केलर ये दो मैट्रिक्स ने इनू ए कॉमन कट के टू इंटू बी भी कर सकते कोई फर्क नहीं पैंदा। स्केलर चाहे इन्ना मल्टीप्लाई कर लो चाहे इन्ना मल्टीप्लाई कर लो गल एक ही है सेम ही है। फिर ये की किया सारे चो ए कढ लिया बाहर अपने देखो सॉल्व किवें करना ये सारे विचों आपने ए बाहर कढ लिया। Now, A is non-singular. जे A non-singular है मतलब A inverse पक्का ए दा एग्जिस्ट करूगा। देखी जाओ ध्यान मैट्रिसेस विच एदी हुंदा हुंदा हैगा कि इनू चक के उधर नहीं लैके जाना हुंदा। जे थोड़ी मैं दसन वास्ते आ गल्लां जे मतलब कि अपने कोल मैट्रिक्स मैथड हुंदा सीगा जी प्लस टू दे विच और की सीगा कि ए एक्स इक्वल टू बी है ये उधर जाके इनवर्स बन गया इदा नहीं होंगे जी इदा नहीं है कि उधर जाके इनवर्स बन गया। ये होंगे किमें है फिर ये होंगे है कि दोनों पासे आपने ए इनवर्स ना मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स ना दोनों पासे मल्टीप्लाई हो गया ए इनवर्स इंटू ए करांगे इनवर्स की प्रॉपर्टी होंगी है पिछे पढ़िया भी अपने ए आई हुंदा ए इनवर्स बी बन गया। आई नू जे अपना एक्स ना मल्टीप्लाई करांगे ए एक्स ही आएगा ये इदा बनना इदा नहीं हुंदा कि आप चक के उधर इनवर्स बना लेंगे इदा नहीं। ए इनवर्स ना पहला मल्टीप्लाई किया फिर हुंदा सॉल्व तो इहदे विच भी आपां पहला ए इनवर्स नाल पहला मल्टीप्लाई किया पहला नू कहिंदे आपां प्री मल्टीप्लाई by A inverse on both side A multiply किता आपने प्री हुंदा पहला ये आ गया A inverse A alpha 1 x 1 alpha 2 x 2 up to so on alpha r x r equal to A inverse C। जीरो नू किसे ना भी मल्टीप्लाई करांगे आंसर की आऊगा पक्का जीरो। अगे सॉल्व करांगे तो हूँ ए इनवर्स मैट्रिक्स की होंदा जे किसी इनवर्स नू मैट्रिक्स ना मल्टीप्लाई करांगे तो आइडेंटिटी बनेगा जी ये आई बन गया हूँ आई नू इन्ना मल्टीप्लाई कर लो इन्ना मल्टीप्लाई किसी ने मल्टीप्लाई कर लो आंसर सेम ही आता होंगे। आई एक अजिहा मैट्रिक्स होंगे किसी ना भी मल्टीप्लाई करांगे वो आंसर सेम होंगे। ए बन गया अल्फा वन एक्स वन अल्फा टू एक्स टू अप टू सोन अल्फा आर एक्स आर इतने पहुँच गए जी अपन।
तो ध्यान दो, स्टार्टिंग कर रहे हैं आप कितने सेगा कि इन्हों वैक्टर आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना, यह किमें किया कि पहला आप लीनियर कॉम्बीनेशन बनावे वो इक्वल टू आइडेंटिटी रखा या जीरो वैक्टर रखा, आप जीरो वैक्टर रखा तो इतों आप अल्फा वन अल्फा टू अल्फा आर की वैल्यू कटा, जो सारे जीरो आ गए तो आप कहे लीनियरली इंडिपेंडेंट, जो सॉल्व किया सारा इतने पहुँच गए। हमने आप अल्फा वन अल्फा टू अल्फा आर किमें कटा, एक चीज़ अपन होर गिवन वो की सी कि एक्स वन एक्स टू अप टू सोन एक्स आर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट दिते होने। आप लीनियर इंडिपेंडेंट का होंगे कि जे आप इन्हों का लीनियर कॉम्बीनेशन बनावे, लीनियर कॉम्बीनेशन बनाया इक्वल टू जीरो वैक्टर रखा तो पक्का तिने सारे स्केलर की होंगे पक्का जीरो होंगे। दिस इंपलाइज अल्फा वन इक्वल टू अल्फा टू अप टू सोन इक्वल टू अल्फा आर ए सारे जीरो होंगे। तो देखो ध्यान इतों शुरू किया तो आप सारे स्केलर को शो करता जीरो, जे सारे स्केलर जीरो हो गए इतों की कहे आप कि वैक्टरस आर दीज वैक्टरस आर देयरफोर ए एक्स वन ए एक्स टू अप टू सोन ए एक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। चलो ये लास्ट टॉपिक सीगा जी, दो तरह क्वेश्चन देखने, एक लीनियर कॉम्बिनेशन क्वेश्चन कितने, एक अपने इंडिपेंडेंट वाले क्वेश्चन कितने है जिदे वैक्टर अपन ना गिव। तो ये क्वेश्चन ट्राई कर लियो जी, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लियो जी। थैंक यू।